pleasant, right? We were discussing about placenta. Placenta के functions हमने पढ़ लिए थे. Functions में मैंने आपको इसके चार functions करवाए थे. कौन कौन से? First one is respiratory function, other one is nutrition function. उसके बाद आता है हमारे पास excretory function and last one is hormonal function. अब hormonal function में मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास दो तरह के हॉर्मोन्स आते हैं. एक हमारे पास आते हैं प्रोटीन हॉर्मोन्स और एक हमारे पास आते हैं स्टीरॉइड हॉर्मोन्स. जो स्टीरॉइड हॉर्मोन्स हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें तो आते हैं नॉर्मली जो प्रोजेस्ट्रॉन है एंड जो ईस्ट्रोजन है. अगर हम बात करें प्रोटीन हॉर्मोन्स की तो प्रोटीन हॉर्मोन्स में हमारे पास आता है HCG, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, पप्पा प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए एंड साथ में रिलैक्सिंग. और आज हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे कि ये हॉर्मोन्स करते क्या क्या हैं, इनके फंक्शन क्या हैं. तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं प्रोटीन हॉर्मोन्स के बारे में, हॉर्मोन में सबसे पहले एचसीजी के बारे में पढ़ते हैं. एचसीजी की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन. तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं. अगर हम इसकी बात करें तो एचसीजी कौन सिक्रीट करता है या एचसीजी किससे फॉर्म हो रहा है? इट इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म एचसीजी. प्लेसेंटा जब बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, डिफरेंशिएशन में करवाया था, एचसीजी कौन बना रहा था? ब्लैंक फेसेस. पढ़कर नहीं आते हो क्या? ब्लास्टोसिस्ट की डिफरेंशिएशन होती थी आउटर सेल मास, इनर सेल मास. आउटर सेल मास जो था वो फर्दर सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट बना रहा था. एचसीजी कौन बना रहा था? सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट. तो एचसीजी की फॉर्मेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास? सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट. और अगर मैं इसकी बात करूं तो एचसीजी ब्लड में कौन से डे पे अपियर हो जाता है? सेवंथ डे पे. यूरिन में? यस, ये याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में आता है. अब एचसीजी को बेसिकली जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो एचसीजी को ही हम डिटेक्ट करते हैं. जो आपका यूपीटी आता है, यूरिन पॉजिटिव आ रहा है ना, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, वो किसकी वजह से आ रहा है? ड्यू टू एचसीजी की वजह से. एचसीजी उसके अंदर प्रेजेंट है तभी वो पॉजिटिव आता है. और एचसीजी को फॉर्म कौन कर रहा है? आपका सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट. अब एचसीजी की बात करें तो दिस वन इज द मेन बायोलॉजिकल फंक्शन. अगर हम बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन है, ठीक है. और ये क्या करता है? मेन बायोलॉजिकल फंक्शन है टू मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम. किसको मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास? टू मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए एचसीजी हमारा एक इंपॉर्टेंट, मतलब आप बोलो कि ये बायोलॉजिकल फंक्शन है एचसीजी का, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रख रहा है. और कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है? कौन से हॉर्मोन सिक्रीट करता है? ईस्ट्रोजन एंड दोनों हॉर्मोन्स को ये सिक्रीट करता है. जो बेसिकली आपका प्रोजेस्ट्रॉन है दैट इज प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हॉर्मोन. इसकी बात करें तो ये प्रेगनेंसी मेंटेन करता है. कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हॉर्मोन कौन सा है आपका, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हॉर्मोन इज प्रोजेस्ट्रॉन. अब एचसीजी का लेवल कितना कितना होता है, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ब्लड में इसका कितना लेवल है. तो एचसीजी के लेवल की बात करें इन ब्लड की, ब्लड में इसका लेवल हमें कितना देखने को मिलता है, तो एचसीजी का पीक लेवल जो है, पीक लेवल जो है वो हमें देखने को मिलता है 60 to 70 डेज पर. वो कितना होता है? 100 to 200 इंटरनेशनल यूनिट्स पर एमएल. अगर हम बात करें कि प्रेगनेंसी में आफ्टर 100 डेज ये हमें कितना देखने को मिलता है, तो आफ्टर 100 डेज ये लेवल डिक्रीज हो जाता है और ये हमें देखने को मिलता है 10 टू 20 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल. और उसके बाद ये कांस्टेंट इसी लेवल पर मेंटेन रहता है अगर हम एचसीजी के लेवल की बात करें.
तो एचसीजी की बात करें तो एचसीजी का लेवल ब्लड में हमें पीक लेवल जो है एचसीजी का वो कब देखने को मिलता है, बेसिकली 60 से 70वें दिन पर देखने को मिलेगा प्रेगनेंसी का, और 100 डेज के बाद ये धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और वो कितना आ जाता है 10 to 20 इंटरनेशनल यूनिट पर ml तक आ जाता है, और उसके बाद ये यहीं पे स्टेबल हो जाता है, इसी लेवल पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? यस मैम। ठीक है, तो हाँ एचसीजी का मैंने बताया। एचसीजी की बात करें तो एचसीजी का लेवल हमें शो कब से होना शुरू हो गया, 8th डे बोल लो, क्योंकि 7th डे पे ब्लड में अपियर हो गया, तो 7वें 8वें दिन पर ये हमें दिखना शुरू हो शो होना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम ये 60 to 70 डेज, मतलब 8th वीक के तकरीबन हमें ये मैक्सिमम देखने को मिलता है, और मिनिमम अगर हम बात करें तो 100 डेज के बाद, मतलब अप्रोक्सीमेटली 12 हफ्ते के बाद ये लेवल जो है वो कांस्टेंट इस पर आ जाता है 10 to 20। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आए कि एचसीजी यूरिन, मैंने बता दिया कि ये हमारे ब्लड में 7वें दिन अपियर हो रहा है और यूरिन में 9वें दिन अपियर हो रहा है, अब क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि यूरिन से कब डिसअपियर होता है डिलीवरी के बाद, तो इट डिसअपियर फ्रॉम यूरिन आफ्टर 2 डेज। ठीक है, डिलीवरी के 2 दिन के बाद डिसअपियर फ्रॉम यूरिन, यूरिन से कब डिसअपियर हो रहा है, 2 डेज आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि डिसअपियर फ्रॉम ब्लड, ब्लड से कब डिसअपियर होता है, 2 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के 2 हफ्ते के बाद ब्लड से डिसअपियर हो जाता है, और डिलीवरी के 2 दिन बाद यूरिन से डिसअपियर हो जाता है, और मैक्सिमम लेवल मैंने इसका बता दिया आपका, मैक्सिमम लेवल आपका मैक्सिमम 8th वीक पर देखने को मिलेगा, उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाता है। अगर 8वें हफ्ते के बाद भी इसका लेवल इंक्रीज हो रहा है ना, दैट मीन्स कि ये एबनॉर्मेलिटी कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर अब मैं इसकी बात करूं कि इसका मेन फंक्शन क्या है, तो अगर इसके फंक्शन की बात करें बच्चे, तो बेसिकली एचसीजी वर्क्स एज इम्यूनो सप्रेसेंट, किसकी तरह काम करता है ये, इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह काम करता है। इम्यूनो सप्रेसेंट का मतलब है बच्चे, एक सेकेंड होल्ड कर, एक सेकेंड, ओके, इम्यूनो सप्रेसेंट मैंने बताया कि जो एचसीजी है इट वर्क्स एज एन इम्यूनो सप्रेसेंट, किसकी तरह काम करता है ये, इम्यूनो सप, मतलब क्या है कि जब कंसीव करती है ना मदर, तो मदर जब फीटस वो बन रहा होता है ना, जाइगोट या एम्ब्रियो, उसको मदर की बॉडी एज अ फॉरेन पार्टिकल समझकर रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। तो जैसे ही अब हमने कहा कि फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन हमारे ब्लड में एचसीजी, मतलब एचसीजी बनना शुरू हो गया, इस एचसीजी ने हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया,
ये जो अंदर प्रोडक्ट बन रहा है, फर्टिलाइज्ड एग है, जाइगॉट है, या फिर आपका जो ये एम्ब्रियो बनने जा रहा है, हमने इसको रिजेक्ट नहीं करना है, ये अंदर ही रहना है। तो एज सच ये एक इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह काम कर रहा है। जितने भी प्लेसेंटल हॉर्मोन्स हैं, मैक्सिमम उनका फंक्शन यही है कि वो एज अ इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह काम करते हैं, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं कि उस फर्टिलाइज्ड एग को उन्होंने मतलब बॉडी ने फॉरेन पार्टिकल समझकर रिजेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए HCG एज अ इम्यूनो सप्रेसेंट करता है, बेसिकली इट प्रिवेंट्स रिजेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या प्रिवेंट करता है? इट प्रिवेंट किस चीज के लिए होता है? टू प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये HCG हार्मोन एज एन इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अब मैंने HCG का लेवल तो आपको बता दिया कि नॉर्मली आपका ये कितना, मैंने बताया है इसमें 100 to 200 इंटरनेशनल यूनिट्स हमें देखने को मिल रही हैं 8th वीक पे, है ना। उसके बाद ये कम हो जाता है, 10 to 20 देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन ये आ जाता है कि HCG का लेवल इंक्रीज किस केस में देखने को मिलता है? तो अगर HCG का लेवल आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि या तो फीमेल को हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरिया में, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरिया, कि एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर ये इंडिकेट करेगा कि एच मोल वाली कंडीशन है, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल वाली कंडीशन है। हाइड्रेटेड फॉर्म मोल का मतलब है एक नॉन कैंसरस ट्यूमर है जो यूट्रस के अंदर डेवलप हो गया एज ए नॉन वायबल प्रोडक्ट। नॉन मतलब ये जिएगा नहीं, प्रोडक्ट बन गया है अंदर, बट ये यूट्रस के अंदर होता है, नॉन कैंसरस होता है, बट ये फीटस नहीं होता है। फीटस की सांसें चलती है ना, वायबल प्रोडक्ट है कि 22 हफ्ते के बाद अगर डिलीवर हुआ तो हम फीटस को वायबिलिटी पीरियड क्रॉस कर दिया, मतलब वो एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आकर जी सकता है, बट स्पेशल मशीन्स की, इंस्ट्रूमेंट्स की, स्पेशल केयर की रिक्वायरमेंट होगी। ऑल दो नॉर्मली 27 हफ्ते के बाद अगर बच्चा डिलीवर हो तो वो हम मैक्सिमम देखते हैं कि जीता है, 22 हफ्ते के बाद अगर बच्चा डिलीवर हुआ है तो उस केस में हमें स्पेशल टेक्नोलॉजीज की नीड पड़ेगी। एक ये इंक्रीज आता है डाउन सिंड्रोम में, एक हमें किस चीज में ये इंक्रीज देखने को मिलता है? डाउन सिंड्रोम में, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है जिनमें HCG का लेवल डिक्रीज मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा सॉरी, और HCG डिक्रीज किस केस में होता है? इन केस ऑफ एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का क्या मतलब है? आउटसाइड द यूट्रस, है ना, कंसीव कर लिया है, फीटस इम्प्लांट हो गया आउटसाइड द यूट्रस, या फिर एबॉर्शन है, एबॉर्शन के केस में भी HCG का लेवल डिक्रीज होता है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एबॉर्शन के केस में HCG लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो आपको पता होना चाहिए इसमें डिक्रीज होता है, एक्टॉपिक में डिक्रीज होता है, वेयर एज अगर हम बात करें हाइपर एमिसिस ग्रेविडेरियम, एच मोल, या फिर आपका डाउन सिंड्रोम, इन केसेस में HCG का लेवल इंक्रीज आता है। अब HCG मैंने आपको बता दिया है कि यूरिन से डिसअपियर होता है 2nd डे आफ्टर डिलीवरी, और ब्लड से या सीरम से क्वेश्चन आया तो दैट इज 2 वीक आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस HCG को हम डिटेक्ट कैसे करने हैं, डिटेक्शन कैसे करते हैं HCG की यूरिन में। मैंने कहा कि हम क्या करते हैं इसमें, यूपीटी करते हैं ना, डिटेक्शन ऑफ HCG इन यूरिन। तो ये जो यूरिन का पॉजिटिव टेस्ट आता है, इट विल इंडिकेट कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, नॉर्मली सबसे पहले यूरिन सैंपल लेंगे, ठीक है, यूरिन सैंपल लेते हैं, और यूरिन सैंपल तो आप बोल लो कि स्पेसिफिकली अगर हमने कोई टेस्ट करना है तो उसके लिए हम अर्ली मॉर्निंग सैंपल ही कलेक्ट करना पसंद करें। तो यूरिन सैंपल कलेक्ट करेंगे, इसके अंदर अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर HCG एंटीजन्स बनना शुरू हो जाते हैं ना, तो उस यूरिन के अंदर 9th डे के बाद HCG एंटीजन्स देखने को मिलेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, HCG की एंटीबॉडीज ऐड कर देंगे, HCG की एंटी सीरा या एंटीबॉडीज ऐड करेंगे, और इसको क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। अब मिक्स करने के बाद हमें एज यूजुअल कोई विजिबल रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि जो एंटीबॉडी है उसके ऊपर आकर एंटीजन ऐसे चिपक जाएगा, तो वो रिएक्ट तो नहीं करेगा ना। तो क्या करते हैं, अब इस रिएक्शन को चेक करने के लिए कि फीमेल इज प्रेग्नेंट और नॉट, हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें लेटेक्स कोटेड HCG एंटीजन ऐड कर देते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, इसके बाद ऐड लेटेक्स कोटेड HCG एंटीजन।
इसको हम इसमें ऐड करेंगे। अब जब हमने ये एंटीजन, जैसे ये एक एंटीजन था यहाँ पे, ये आपका एंटीजन है, उल्टा बनाया मैंने, ठीक है, ये एंटीजन है मान लो। अब इसके अंदर एंटीबॉडी आकर अटैच होगी जो हमने ऐड करी, पर इन्होंने रिएक्शन किया क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया। अब हमने क्या किया इसमें, लेटेक्स कोटेड एचसीजी एंटीजन ऐड कर दिया। जब हमने ये ऐड किया तो इसको ऐड करने के बाद, इफ देयर इज नो विजिबल रिएक्शन, अभी भी अगर कोई विजिबल रिएक्शन नहीं है, दैट मींस कि फीमेल जो है वो पॉजिटिव, उसका प्रेगनेंसी टेस्ट क्या है, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट है, मतलब शी इज प्रेग्नेंट, ठीक है, ये इंडिकेट करेगा कि वो क्या है, प्रेग्नेंट है। अगर यहाँ पे विजिबल रिएक्शन देख गया, क्योंकि एंटीजन के ऊपर अगर एकदम से लेटेक्स कोटेड वो पड़ेंगे तो यहाँ पे विजिबल रिएक्शन होगा, जो हमने एंटीबॉडी डाल दी है, एंटीबॉडी के ऊपर अगर ये लेटेक्स कोटेड एंटीजन हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है, और ये जो है जो नॉर्मली बॉडी में था, तो इसके ऊपर जब ये हुआ तो इसने रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हुआ, दैट इज नोन एज सैंडविच टेस्ट। आप बोलते हैं ना कि प्रेगनेंसी के लिए सैंडविच टेस्ट करते हैं, वो बेसिकली यही टेस्ट, एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट, ठीक है। एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट था, एंटीबॉडी ऐड करी, उसके बाद लेटेक्स कोटेड एंटीजन ऐड किया, इन्होंने एक सैंडविच बना दिया, नीचे भी एंटीजन, बीच में एंटीबॉडी, ऊपर भी एंटीजन। जैसे होता है ना सैंडविच में, क्या होता है, ऊपर नीचे ब्रेड होता है, बीच में मसाला होता है, सेम ऐसे ही ऊपर नीचे एंटीजन होंगे, बीच में एंटीबॉडी होंगे, और इसे सैंडविच टेस्ट बोलो आप, या फिर आप बोलो कि एचसीजी डिटेक्शन के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, दैट इज योर ये यूरिन सैंपल जो हम करते हैं, यूपीटी। नॉर्मली आप कभी भी अगर कोई ऐसा होता है तो आपके पास यूपीटी किट भी आती है, उसके बाद हॉस्पिटल जाते अगेन यूरिन टेस्ट प्रॉपर किया जाता है, वो इसी चीज को असेस करने के लिए किया जाता है कि सच में फीमेल प्रेग्नेंट है या कोई और, ठीक है, ये बताता है, बस एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देगा। अगर आप बोलोगे कि डेफिनेट डायग्नोसिस आप यूपीटी से बता दोगे कि फीमेल प्रेग्नेंट है, किसी और केस में भी एचसीजी का लेवल इंक्रीज हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एच मोल है, या फिर आप बोल लो कि डाउन सिंड्रोम है ना, उन केसेस में भी ये आपको टेस्ट तो वैसे पॉजिटिव देखने को, तो यूरिन अगर आप प्रेगनेंसी का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस बोलो तो वो है कि अल्ट्रासोनोग्राफी, जब अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं आपको फीटल हर्ट साउंड सुनाई देती है, तब आप बोलोगे दैट इज कंफर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, दिस इज नॉट कंफर्मेटिव, ये जस्ट हमें बता रहा है कि हाँ मे बी फीमेल प्रेग्नेंट, ठीक है, वो प्रेगनेंसी को बता रहा है बट कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम एक कंफर्मेटिव डायग्नोसिस करते हैं और एक उसको टेस्ट करने के लिए करते हैं, तो नॉर्मली हम मॉन्टेक्स टेस्ट परफॉर्म करते हैं, वो क्या बताता है कि फीमेल या जो भी इंडिविजुअल है दैट कम इन एक्सपोजर टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, वो यही बताता है कि पेशेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के एक्सपोजर में आया है या नहीं, बट कंफर्मेटिव डायग्नोसिस इज स्पूटम माइक्रोस्कोपी, जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि एग्जैक्टली पेशेंट के अंदर ये बेसिलाई माइकोबैक्टीरियम बेसिलाई जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं। सिमिलरली ऐसे ही प्रेगनेंसी में है कि जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो जस्ट इंडिकेट कर रहा है मे बी फीमेल इज प्रेग्नेंट, बट कंफर्मेशन नहीं देता है। इज इट क्लियर बच्चे? ओके, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास एचपीएल, एचपीएल हार्मोन मैंने बताया ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। अब ये ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन की बात करें तो जो आपका ये एचपीएल है, ये आपका बेसिकली 12th वीक ऑफ जस्टेशन के तकरीबन अवेलेबल होता है, या आफ्टर 12th वीक ऑफ जस्टेशन आप बोल लो कि इसके बाद ही होगा, 12 हफ्ते के बाद ये एचपीएल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बेसिकली लैक्टेशन, जैसे कि बोला हमने ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन, ये लैक्टेशन और जो भी ब्रेस्ट चेंजेस हो रहे हैं उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, और ब्रेस्ट चेंजेस जो भी देखने को मिल रहे हैं उनके लिए ये एचपीएल हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, और ठीक है, क्लियर है। अब आती है बात इसके बाद पप्पाई, पप्पा प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन भी कहीं कर कर दिया होगा और कहीं पे प्लाज्मा प्रोटीन ए भी दिया होगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इट ऑल्सो वर्क्स एज इम्यूनो सप्रेसेंट, ये भी बेसिकली इम्यूनो सप्रेसेंट का ही काम करता है, इम्यूनो सप्रेसेंट मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है ताकि हमारी बॉडी या हमारा इम्यून सिस्टम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट ना कर दे,
या उसे रिजेक्ट ना कर दे, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ये पप्पा हार्मोन एज एन इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह काम करता है। फोर्थ हार्मोन मैंने प्रोटीन में बताया था, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन की बात करें तो ये बेसिकली लेबर प्रोसेस के टाइम पे काम करता है। ये हमारे सिम्फाइसिस प्यूबिस को रिलैक्सेशन, नाम है ना इसका रिलैक्सिन, मतलब रिलैक्स करने का काम करता है ताकि इजीली डिलीवरी है वो हो जाए। क्लियर है? चार तरह के प्रोटीन हॉर्मोन्स थे इसमें, HCG जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देन HPL, पप्पा एंड रिलैक्सिन। रिलैक्सिन की बात करें तो ये लेबर प्रोसेस के टाइम पे काम करता है, ये पूरी प्रेगनेंसी में काम नहीं करेगा, जब लेबर पेन स्टार्ट होती है उस टाइम पे काम करता है, और बेसिकली एक्ट्स ऑन सिम्फाइसिस प्यूबिस। हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस का होता है ना, जब भी डिलीवरी होती है तो हम बोलते हैं हेड हमेशा सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे आता है, तो पेन को कम करने के लिए, डिलीवरी को ईज करने के लिए ये रिलैक्सिन हार्मोन उस टाइम पे रिलीज होगा, और ये बेसिकली सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर एक्ट करता है ताकि इजीली डिलीवरी हो जाए, पेन कम, ठीक है, उस चीज के लिए ये आपका काम। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टीरॉइड हॉर्मोन्स। इसके बाद आए हमारे पास स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड हॉर्मोन की बात करें तो स्टीरॉइड हार्मोन में हमारे पास दो चीजें आती हैं, वन इज ईस्ट्रोजन, अदर वन इज प्रोजेस्ट्रॉन। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, है ना, ये दो चीजें आती हैं इसमें। अब ईस्ट्रोजन मैंने पहले भी बताया, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर प्लेसिया। हाइपर प्लेसिया का मतलब है कि ये बेसिकली क्या इंक्रीज कर रहा है, सेल नंबर, ठीक है। और प्रोजेस्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब है क्या इंक्रीज कर रहा है, सेल साइज, ठीक है। ये दोनों याद रखना, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है कि प्रोजेस्टेरॉन हाइपरट्रॉफी के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, या हाइपरप्लेजिया के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल। तो हाइपरप्लेजिया आपका ईस्ट्रोजन करता है और हाइपरट्रॉफी आपका प्रोजेस्टेरॉन करता है। अब ये दोनों बेसिकली क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। किसको मेंटेन करते हैं, ये मेंटेन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का ये काम करते हैं, ठीक है। और अगर मैं प्रोजेस्ट्रॉन की बात करूं तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये टोकोलिटिक एजेंट है। टोकोलिटिक एजेंट का मतलब है कि जितनी भी यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन आती है ना, उन्हें प्रिवेंट करने का ये काम करते हैं, ठीक है। और ये दोनों हार्मोन एज एन इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह भी काम करते हैं। इम्यूनो सप्रेसेंट वही आ गया कि आपका इम्यून सिस्टम कहीं फर्टिलाइज्ड एग को प्रिवेंट ना कर दे, आपकी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट या रिजेक्ट ना कर दे, उस चीज को प्रिवेंट करने का ये काम करता है। ड्यूरिंग लेबर, जब भी लेबर प्रोसेस होती है ना, तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल डिक्रीज हो जाता है और ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन, मैंने आपको क्या कहा, बेसिकली ड्यूरिंग लेबर लिख देती हूँ मैं यहाँ, ड्यूरिंग लेबर की बात करें तो ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और ईस्ट्रोजन की बात करें तो ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ही ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा ये ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, और ऑक्सीटोसिन आपका यूटराइन कॉन्ट्रेक्शंस को स्टार्ट करता है, यूटराइन कॉन्ट्रेक्शंस यहाँ पे स्टार्ट करता है और पेशेंट की डिलीवरी कंडक्ट करवाता है, और क्या हो जाती है, पेशेंट की डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। इस तरह से डिलीवरी होती है। जब आगे लेबर प्रोसेस पढ़ेंगे ना, तो उसमें फिर आगे क्लियर हो जाएगा, बस अभी थोड़ा थोड़ा करके याद करो, फिर आगे चलकर उसकी डीप स्टडी आगे कर चलकर करेंगे ताकि इजी हो जाए याद करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये हो गया ना, अब इसके बाद आता है हमारे पास एबनॉर्मेलिटीज ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटीज आती, प्लेसेंटा के बारे में पढ़ रहे हैं, पहले प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटीज के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज की बात करें, तो हमारे पास वेरियस प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नीटा बुच लेयर, कल बताई थी ना नीटा बुच लेयर, वो क्या करती है, बेसिकली प्लेसेंटा को डीप को या डीप प्रिवेंट पेनिट्रेशन करती है ना, डीप पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करती है। तो प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज सबसे पहले तो देखने को मिलती है ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ नीटा बुच लेयर, कि अगर ये नीटा बुच लेयर की कमी है ना बॉडी में, डेफिशिएंसी है अगर यूट्रस में आपके हो गई है प्लेसेंटा में, तो इसकी वजह से देखने को मिलता है प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा इनक्रीटा एंड प्लेसेंटा प्रीक्रीटा, ठीक है, ये देखने को मिलता है।
अब एक्रिटा का क्या मतलब होता है? प्लेसेंटा एक्रिटा का बेसिकली मतलब है कि जो प्लेसेंटा है ना, वो डीप जाकर, यूट्रस के डीप में जाकर इंसर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो नॉर्मली जब डिलीवरी होती है तो प्लेसेंटा उसके बाद रिमूव नहीं हो पाता। नॉर्मली मैंने आपको बताया था ना, फीटस की डिलीवरी के बाद आप सभी ने देखा है प्लेसेंटा 15 से 20 मिनट में अपने आप डिलीवर हो जाता है। इस केस में वो डिलीवर नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि वो छूटेगा ही नहीं, वो क्या है, अंदर डीप जाकर चिपक गया है। इनक्रीटा की बात करें तो इनक्रीटा में आप बोलो कि जो यूट्रस की मसल वॉल है ना, उन मसल वॉल्स के पास जाकर अंदर चिपक जाता है। और प्रीक्रीटा की बात करें तो नियर, जो यूट्रस के नियर ऑर्गन्स है ना, जैसे ब्लैडर के नियर बाई, वहां तक पहुंच कर अंदर जाकर ये पैनिट्रेट कर जाता है प्लेसेंटा, तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब भी आप इसे रिमूव करोगे तो उसके बाद मदर को ब्लड ब्लड लॉस ज्यादा होता है, पीपीएच वाली कंडीशन ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एक्रीटा इनक्रीटा प्रीक्रीटा क्लियर है? क्यों देखने को मिल रहे हैं? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नीटा बुच लेयर। ठीक है, नीटा बुच लेयर बेसिकली प्लेसेंटा को डीप पैनिट्रेट करने से प्रिवेंट करती है, बट अब ये नीटा बुच लेयर ही नहीं है तो उसकी वजह से प्लेसेंटा डीपली इंसर्ट हो जाएगा। एक्रीटा तो मतलब है कि यूट्रस के अंदर ही रहेगा, मतलब डीपली जाकर रहेगा। इनक्रीटा का मतलब है कि मसल वॉल्स तक चला जाएगा। और अगर प्रीक्रीटा की बात करें तो जो नियर बाई ऑर्गन्स है ना, जैसे ब्लैडर है, ब्लैडर तक नीचे जाकर अटैच हो जाएगा। अब बात करते हैं फर्दर डेफिशिएंसीज या फर्दर जो एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलती हैं इसमें। इसमें देखने को मिलेगा हमें सरकम वैलेट प्लेसेंटा। सुना है इसके बारे में? क्या होता है सरकम वैलेट प्लेसेंटा? क्या होता है? अगर सरकम वैलेट प्लेसेंटा, किसी को पता है क्या होता है? एक्सटर्नल क्या होती है? एक्सटर्नल, सेंटर में सर्कल जाए। यस, जो प्लेसेंटा की साइड है ना, साइडों में थिकनेस देखने को मिलती है वो होती है लोब वाले। फिर आगे मैं करवाती हूँ, लोब नहीं है इसमें। सरकम वैलेट में बेसिकली बोल लो जो कोरियन प्लेट है ना, और जो एमनियॉन एंड कोरियॉन है, वहां पे डबल फोल्ड देखने को मिलता है। मतलब जैसे ये प्लेसेंटा है ना, तो इसके साइड में यहाँ पे ये डबल फोल्ड देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये डबल मतलब ये थिक होता है यहाँ पे बीच से, मतलब बीच में आपको व्हाइटिश पार्ट जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। थिकंड व्हाइट रिंग यहाँ पे देखने को मिलती है इसके कंप्लीटली, एक थिक व्हाइट सी रिंग इसके इर्द गिर्द यहाँ पे आपके अटैच हुई है, तो दैट इज नोन एज सरकम वैलेट प्लेसेंटा। लेट मी शो यू द इमेज। अच्छा, दिस वन इज सरकम वैलेट प्लेसेंटा। बच्चे इट इज विजिबल टू ऑल, सॉरी, यस मैम। ये आपका सरकम है कि यहाँ पे जो आप साइड की ये देख रहे हैं ना, तो ये क्या है, एमनियॉन और कोरियॉन की डबल लेयर देखने को मिलेगी पूरे प्लेसेंटा के इर्द गिर्द।
वहीं पे अगर आपको क्वेश्चन आए कि सरकम मार्जिनेट, एक हमें देखने को इमेज बेस्ड भी आ सकते हैं ना ये क्वेश्चन, तो सरकम मार्जिनेट प्लेसेंटा किसे कहते हैं, या मार्जिनेट प्लेसेंटा या प्लेसेंटा मार्जिनेटा किसे कहते हैं, तो इसकी भी मैं आपको इमेज शो कर देती हूँ। सरकम मार्जिनेट में ना बिल्कुल आपको मतलब हल्की सी साइड में आप बोल लो कि पतली सी लेयर देखने को मिलेगी। वैलिड और मार्जिनेट भी है, क्लियर। अब ये देखो, ये जो मार्जिनेटा है ना, पहली जो इमेज है, दिस इज सरकम मार्जिनेटा। इसमें आप बोलो कि जो सराउंडिंग्स है ना वो बिल्कुल पतली है। सरकम मार्जिनेटा में जो कोरियोन प्लेट है, एमनियोन और कोरियोन है, वहां पे आप बोलो कि सिंगल फोल्ड की कवरेज हुई। वेयर एज जो सरकम वैलेट है इसमें डबल, ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पे कितना थिक है, यहाँ पे इस एरिया पे थिक है और ये पतला सा है, तो इसका सिंगल ही फोल्ड होता है। कोरियोन और एमनियोन लेयर का सिंगल ही फोल्ड होगा, यहाँ पे डबल फोल्ड देखने को मिलते हैं, दैट इज नोन एज सरकम वैलेट। और सरकम मार्जिनेटा मतलब सिंगल ही फोल्ड एमनियोन कोरियोन लेयर का साइड में देखने को मिलता है। क्लियर है बच्चे ये? इसके बाद आती है हमारे पास अदर एबनॉर्मेलिटीज जो है, दैट इज कि और क्या क्या हमें एबनॉर्मेलिटी तो इसमें देखने को मिलता है, सक्सेंचुरिएट प्लेसेंटा, सक्सेंचुरिएट प्लेसेंटा। अब सक्सेंचुरिएट प्लेसेंटा क्या होता है? मैम इसमें वन और मोर स्मॉल एसेसरीज लोब्स दिखाई देती हैं मैम, ड्वेल्प्स हो जाती है। इमेज विजिबल है सबको? विजिबल हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं यस है? मैम, यस आपको मैम, विजुअल विजिबल है? बच्चे ऑफलाइन वाले बच्चों को विजिबल नहीं है, एक सेकेंड वेट करना। ये विजिबल है, क्लियर यस मैम। आ रहा है ना सारा इसमें, है ना? तो दिख रहा है ना, और ऑफलाइन स्टूडेंट्स आपको सभी को, ऑनलाइन वालों को तो विजिबल होगी, आप लोगों को विजिबल है। देखो प्लेसेंटल वेरिएशन में मैंने आपको बताया सरकम वैलेट, जिसमें मैंने कहा कि व्हाइट लाइनिंग जो है वो थिकन लाइन देखने को मिलेगी, मतलब हमें इसमें क्या देखने को मिल रहा है, डबल फोल्ड देखने को मिल रहा है एमनियन कोरियन लेयर। एक पढ़ा दिया मैंने सरकम मार्जिनेटा, सरकम मार्जिनेटा कि ये जो इसके साइड की मार्जिन्स है ना, ये यहाँ पे एक लाइन ये और एक यहाँ पे सिंगल फोल्ड देखने को मिल रहा है इसके इर्द गिर्द कोरियोन और एमनियन लेयर, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं जो पढ़ा रही हूँ, दैट इज सक्सेंचुरिएट लोब। सक्सेंचुरिएट लोब की बात करें तो यहाँ पे आप बोलो प्लेसेंटा की एक छोटी सी लोब जो है वो मेन प्लेसेंटा से ब्लड वेसल्स के थ्रू कनेक्ट रहती है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें एक लोब अलग होगी लेकिन ब्लड वेसल्स के थ्रू वो कनेक्टेड है। एक इसमें हमें देखने को मिलता है बाई लोब, ठीक है, प्लेसेंटा बाई लोबाटा इसको बोलते हैं, बाई लोबाटा भी बोलते हैं इसे, बाई लोब्ड भी बोल लो या लोबाटा भी बोल लो, ठीक है। तो इसमें क्या बोले कि प्लेसेंटा जो है लोब साइज बराबर दो पार्ट में डिवाइड होता है और एक दूसरे से ब्लड वेसल्स के थ्रू ही ये कनेक्ट रहते हैं। प्लेसेंटा क्या है, यहाँ पे दो पार्ट्स में ही अलग अलग डिवाइड हो गया। एक इसमें आता है बच्चे हमारे पास प्लेसेंटा सुपूरिया, स्पूरिया नहीं बताया ना यहाँ पे, प्लेसेंटा सुपूरिया में यही होता है कि यहाँ पे अलग हो जाती है एक लोब लेकिन वो किसी भी ब्लड वेसल से कनेक्टेड नहीं होती, दैट इज नोन एज प्लेसेंटा सुपूरिया। सुपूरिया
सुपुरिया में क्या है कि इसमें आपकी ब्लड वेसल्स कनेक्टेड नहीं होंगी। मैंने कहा सक्सेंचुरिएट प्लेसेंटा में प्लेसेंटा की एक लोब अलग हो जाती है जो ब्लड वेसल से कनेक्टेड है। अगर आपको आ जाए कि प्लेसेंटा सुपुरिया क्या है, तो यहाँ पे बोल लो कि प्लेसेंटा की एक मेन लोब जो है वो सेपरेट हो जाती है, बट उसके बीच में कोई ब्लड वेसल्स का कनेक्शन भी नहीं होता है। ठीक है, एक इसमें लिखा हुआ है आपका वेलामेंटोस। बाइलोब क्या बताया आपने? बाइलोब बाइलोब, बच्चे ये है कि प्लेसेंटा जो है वो दो लोब्स में डिवाइड हो गया, दो अलग अलग लोब्स में डिवाइड हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ब्लड वेसल्स इसको वैसे कनेक्टेड है। वैसे हमारा प्लेसेंटा कैसा होता है, ऐसा होता है एक ही जगह पे। यहाँ पे क्या है, प्लेसेंटा दो ही लोब्स में डिवाइड हो गया, दो अलग अलग लोब्स में डिवाइड हो गया। तो ये जो है ये अपर वाल बेसिकली में ये आपके, कनेक्टेड होगा, हाँ कनेक्टेड होगा ये ब्लड वेसल के साथ, हाँ जी, ये बाइलोब्ड वाला ये कनेक्टेड है, लोब्स। मैम बाइलोब्ड सुपुरिया, वाला ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है। सक्सेंचुरिएट प्लेसेंटा भी ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है, लेकिन जो प्लेसेंटा सुपूरिया है, SUPUR I, ये कनेक्टेड नहीं होता है ब्लड वेसल से। इसमें भी प्लेसेंटा की एक लोब सेपरेट हो जाती है, बट वो ब्लड वेसल से भी कनेक्टेड नहीं होती है। ये बेसिकली आपकी किसकी थी एबनॉर्मेलिटीज, प्लेसेंटा की। अब इसी के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड की एबनॉर्मेलिटीज आती है। अगर मैं अम्बिलिकल कॉर्ड की एबनॉर्मेलिटीज की बात करूं, तो अम्बिलिकल कॉर्ड की एबनॉर्मेलिटीज में आता है हमारे पास एक, नॉर्मली तो अगर हम बात करें तो प्लेसेंटा के सेंटर से आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी होती है। अगर मैं अम्बिलिकल कॉर्ड की बात करूं, तो नॉर्मली वो कहां से होती है, प्लेसेंटा के सेंटर से अटैच होती है। पर इसमें हमें देखने को मिलता है एक बेटल डोर प्लेसेंटा, विच इज नोन एज मार्जिनल प्लेसेंटा। अगर मैं इस बार बेटल डोर या मार्जिनल प्लेसेंटा की बात करूं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो मार्जिन्स पे अटैच हो रखी है। ठीक है, कहाँ पे, इसीलिए इसे कि बैच की तरह नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड ये अटैच हो रखी है यहाँ पे। ठीक है, ये तो दैट इज वाई दिस इज नोन एज सच एज अ बैट, बैट की तरह है बैटल डोर की, मार्जिन से साइड से कनेक्टेड है। दैट इज वाई इट इज नोन एज बैटल डोर प्लेसेंटा, और इसे हम मार्जिनल भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद, एक हमें वेलामेंटुअस इंसर्शन देखने को मिलती है। इसमें आप ये बोल लो कि जो प्लस ये अम्बिलिकल मैम कॉर्ड है, बैटल डोर, बैटल डोर बताया ना बैटल बच्चे, डोर बेसिकली वो प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटी है या अम्बिलाइकल दिस इज कॉर्ड एन की? एबनॉर्मेलिटी ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड की एबनॉर्मेलिटी कि यहाँ पे कॉर्ड गलत जगह पे, यहाँ पे प्लेसेंटा में कोई एबनॉर्मेलिटी, बस अटैचमेंट की गलती है। तो इसे हम बेटल डोर प्लेसेंटा भी बोल देते हैं, और आप इसे मार्जिनल प्लेसेंटा भी बोल लो, या फिर आप अम्बिलिकल कॉर्ड एबनॉर्मेलिटी, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से ऑल आर अम्बिलिकल कॉर्ड एबनॉर्मेलिटी एक्सेप्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटी इज सरकम वैले, सरकम मार्जिनेट या प्लेसेंटा मार्जिनेटा जिसे कहते हो, या बाई लोब या बाई लोबाटा प्लेसेंटा हम बोलेंगे, सुपूरिया और सक्सेंचुरिएट, ये प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटीज हैं। जो आपकी ये बेटल डोर प्लेसेंटा देखने को मिल रहा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड की एबनॉर्मेलिटी की, यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड बीच की बजाय साइड में अटैच हुई है। ठीक है, वेलामेंटुअस इंसर्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, दिस इज ऑल्सो अम्बिलिकल कॉर्ड एबनॉर्मेलिटी। यहाँ पे हम बोलें तो यहाँ पे जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो प्लेसेंटा के अंदर इंसर्ट नहीं है। देखो, अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा के अंदर इंसर्ट नहीं है, साइड से मार्जिन पे ही अटैच होगी। यहाँ पे आप बोलो कि मार्जिनल है, बट प्लेसेंटा के सेंटर से, यहाँ पे आप बोलो कि ये प्लेसेंटा है, तो प्लेसेंटा के यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड स्टार्ट हुई है। बट अगर आप वेलामेंटुअस की बात करोगे, तो वेलामेंटुअस में ये प्लेसेंटा है, ये एमनियन कोरियन लेयर है, बेसिकली ये इन मेम्ब्रेन्स में इंसर्ट हो जाती है, लेकिन प्लेसेंटा के अंदर इंसर्टेड नहीं होती, प्लेसेंटा के अंदर ये इस तरह से ही अटैच्ड होती है। एक हमें इसमें फरकेट प्लेसेंटा भी देखने को मिलता है, फरकेट भी देखने को मिलता है, फरकेट प्लेसेंटा, ये भी अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा में, यहाँ पे हम बोलें तो सेंटर में अटैच होती है, लेकिन यहाँ पे पता अम्बिलिकल कॉर्ड कैसी होगी, जैसे ये अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, इसकी ब्रांचेस निकली होंगी, एक दो तीन ब्रांचेस होंगी, इनसे ये अटैच होती है।
ये बेसिकली इन ब्रांचेस से अटैच होगी, इन ब्रांचेस से, ना कि अम्बिलिकल कॉर्ड जैसे थी ना कि अम्बिलिकल कॉर्ड सीधी यहां से अटैच थी, ऐसे नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड आएगी ऐसे, लेकिन आगे उसकी ब्रांचेस निकली होंगी बड़ी सारी ब्रांचेस, उनसे वो प्लेसेंटा से अटैच होगी। दैट इज नोन एज फरकेट। फरकेट मतलब डिवीजन हो रखी है, आगे वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होगी अम्बिलिकल कॉर्ड, फिर उन पार्ट्स के थ्रू आगे जुड़ी हुई है। ठीक है, अगर बात आए वेलामेंटुअस की, तो वेलामेंटुअस में बोलो कि यहाँ प्लेसेंटा में इंसर्ट नहीं होती, यहाँ पे जो मार्जिन है ना प्लेसेंटा के इर्द गिर्द जो लेयर्स लगी हुई हैं, वो फीटल लेयर के अंदर जो फीटल पार्ट है उसके अंदर इंसर्टेड होती है, प्लेसेंटा के बीच में जाकर इंसर्ट नहीं होती अम्बिलिकल कॉर्ड। और अगर आपको पूछा जाए मार्जिनल प्लेसेंटा क्या है, मार्जिनल प्लेसेंटा में आप बोलो कि प्लेसेंटा जो है उसकी बीच की बजाय साइड से, प्लेसेंटा की साइड, साइड मतलब प्लेसेंटा के अंदर से अटैच हुई होगी अम्बिलिकल कॉर्ड, लेकिन साइड से होगी सेंटर की जगह। ठीक है, वेलामेंटुअस में प्लेसेंटा के साइड में जो पीटल पार्ट है ना, उस पीटल पार्ट से ही अटैच होगी, बिल्कुल अंदर तक डीपली इंसर्ट नहीं होती है वेलामेंटुअस। ठीक है, और अगर जी फॉर्केट की बात करें तो अम्बिलिकल कॉर्ड आगे जाकर जहां पे प्लेसेंटा से अटैच होनी है वहां पे बड़ी सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, और उन ब्रांचेस के थ्रू वो प्लेसेंटा से अटैच होती है, डायरेक्ट नहीं अटैच होती। इज इट क्लियर बच्चे? क्लियर है? अच्छा, अभी मैंने इसके बारे में पढ़ाना भी है, पर मैंने इसकी एबनॉर्मेलिटी साथ में करवा दिया आपको। अच्छा, इसके साथ आपको एक और एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है, उसको भी देख लो, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी। वैसे अगर हम बात करें तो इसमें क्या देखने को मिलता है हमें अम्बिलिकल कॉर्ड में, दो अम्बिलिकल आर्टरी एक अम्बिलिकल वेन है ना, पर कई बार एबनॉर्मेलिटी में सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी भी देखने को मिलती है। अब सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी की बात करें तो ये आप बोलो मोस्ट कॉमन वास्कुलर एनामली जो हमें अम्बिलिकल कॉर्ड में देखने को मिलती है, तो दिस इज वास्कुलर एनामली है जो हमें देखने को मिल रही है यहाँ। ठीक है, कि आपकी एक ही अम्बिलिकल आर्टरी इसमें बनी है। सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी फीटल कंजेनिटल माल फॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड होती है, मतलब अगर आपकी सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी देखने को मिल रही है, दैट मींस बाय बर्थ फीटस को कोई कंजेनिटल माल फॉर्मेशन है उसके साथ ही एसोसिएटेड है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो मेनली ये हमारी कौन कौन सी एनामलीज को या कौन सी कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज को इंडिकेट करती है, कार्डियोवास्कुलर एनामलीज को, या तो बच्चे के कार्डियो में कोई दिक्कत है कार्डियोवास्कुलर एनामली है, या फिर बोल लो कि रीनल एनामली है, उनसे ये बेसिकली एसोसिएटेड होती है रीनल एनामली से। कौन सी? सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी। हमने कहा कि कंजेनाइटल किसी डिजीज या कंजेनाइटल फीटल डिफॉर्मिटी के साथ एसोसिएटेड है, बेसिकली दो, कार्डिक या फिर रीनल, इनमें कोई एबनॉर्मेलिटी है एनामली हो गई है उसकी वजह से ये देखने को मिलती। अब अगर सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी जो आपको देखने को मिल रही है ये आइसोलेटेड फाइंडिंग है कि सिर्फ एक ही है, तो इस केस में आपकी एनोप्लाइडी कम चांसेस होते हैं, एन्यूप्लाइडी के, ANEUPLIOIDY, LOIDY ए है ये। ठीक है, ANEUPLOIDY, इसका मतलब है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, बेसिकली एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलते। तो अगर किसी बच्चे में सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी है, मतलब यही है सिर्फ, बाकी कोई एनामली नहीं देखने को मिल रही, दैट मींस एनोप्लाइडे के चांसेस डिक्रीज्ड है, डिक्रीज है। अगर ये सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी किसी कॉन्जेनाइटल डिजीजेस के साथ, ये कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड है ना, कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड है, दैट मींस कि एनोप्लाइडी के चांसेस जो है वो इंक्रीज है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ पे आप बोलो कि क्रोमोसोम का जो सेल नंबर है वो इंक्रीज अलग होगा, एक्स्ट्रास में देखने को मिलेंगे, बेसिकली आपका डाउन सिंड्रोम आता है इसमें। ठीक है, और इस केस में फिर हमें जो एमनियोसेंटेसिस है वो करना जरूरी है, ताकि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को हम टाइमली फाइंड आउट करें कि बच्चे को क्या है, और पेरेंट्स को पहले एजुकेट करते हैं कि इफ दे वांट टू कंटिन्यू देयर प्रेगनेंसी और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेसिकली वो ट्राइजोमी मैम किस 18 केस की, में लेस कौन चांसेस सी होंगे ट्राइजोमी 18? एनोप्लाइडी के? मैम हाँ जी, किस केस में लेस चांसेस होंगे एनोप्लाइडी के? कि अगर सिर्फ सिंगल आर्टरी अम्बिलिकल आर्टरी है, कि सिर्फ एक अम्बिलिकल आर्टरी है लेकिन कोई भी बाकी इसके साथ एसोसिएटेड कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन नहीं है, तो एनोप्लाइडी के चांसेस कम है।
दैट मीन्स कि एनोपलाइडी हमें देखने को मिलेगी बट उतनी ज्यादा नहीं देखने को मिलती। बट अगर हम बात करें कि इसके साथ कोई माल फॉर्मेशन भी है तो हम बोलेंगे कि ये इंडिकेट करती है कि ट्राइजोमी 18 हमें देखने को मिलेगी। ट्राइजोमी 18 कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन है, दैट मींस कि एनोप्लाइडी के चांसेस, और बेसिकली ट्राइजोमी 18 मतलब एडवर्ड सिंड्रोम के चांसेस यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम, ट्राइजोमी 18 का मतलब है ट्राइजोमी 18 एडवर्ड सिंड्रोम। ARD एडवर्ड सिंड्रोम मतलब बॉडी के काफी ज्यादा पार्ट्स में एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलती है, स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है, बिफोर बर्थ इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन भी इसमें देखने को मिल सकती है, और इस केस में लो बर्थ वेट बेबी भी आपका हो सकता है। तो ये समझ में आ गई, यहां तक पता लग गया। अभी मैं अम्बिलिकल कॉर्ड की बात में थोड़ी सी बात करते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड का एक और नाम है, क्या नाम है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा यूनिस जाता है, फ्यूनिस। अगर हम इसकी बात करें तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये प्लेसेंटा और फीटस इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, प्लेसेंटा को भी और फीटस को भी जोड़ने का, मतलब बेसिकली ब्लड सप्लाई जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही जा रही है बच्चे को, है ना। अगर हम इसकी बात करें तो ये टी की तरह होती है, जैसे ये प्लेसेंटा है इसके सेंटर से निकलती है तो एज अ टी की तरह ये देखने को मिलती है, ठीक है। अब अगर हम इसकी लेंथ बात करें तो अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है नॉर्मली? 50 सेंटीमीटर होती है। अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो हमें 30 से 100 सेंटीमीटर तक देखने को, 50 है तो नॉर्मल है, अगर 30 ही है दैट मींस एबनॉर्मेलिटी है, अगर 50 से ज्यादा है दैट मींस वो भी कहीं ना कोई एबनॉर्मेलिटी को इंडिकेट कर रही है। अगर हम इसके डायामीटर की बात करें तो अम्बिलिकल कॉर्ड का डायामीटर कितना होता है बच्चे? दैट इज 1 to 2.5 सेंटीमीटर, एवरेज हम बोलें तो 1.5 सेंटीमीटर हो। अम्बिलिकल कॉर्ड डेवलप किससे होती है? परसों करवाया, हाँ वही क्या वॉटसन जेली में वो तो वॉटसन जेली तो आगे चलकर चली, वो तो एक प्रोटेक्टिव लेयर है। आगे बोलो, अम्बिलिकल कॉर्ड बनना शुरू होती है तो मैंने कहा था किसी चीज से, इनर हाँ इनर सेल, यस एग्जैक्टली बॉडी स्टाक, यहां से आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड बनना शुरू होती है। मैंने कहा था ना कि कुछ एडिशनल ऐड होता है फिर वो बनता जाता है बनता जाता है, आगे चलकर वो क्या बनाता है? अम्बिलिकल कॉर्ड। तो इट डेवलप्स फ्रॉम बॉडी स्टाक, ठीक है। और फिर ये बॉडी स्टाक की बात करें तो मेड फ्रॉम मेसेनकाइमा, इसके साथ साथ ये कहाँ पे बन रहा है? मेसेनकाइमा के ऊपर ये बॉडी स्टाक आपका इकट्ठा होता जाता है और ये 12th डे पे रिलीज होना शुरू हो जाता है, और फिर आगे सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट या साइटोट्रोफो ब्लास्ट, आप बोलो इनके थ्रू, साइटो भी नहीं, आप इनर सेल मास अम्बिलिकल कॉर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, तो आपका फिर आगे आ गया ना, साइटोट्रोफो ब्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, सिंसिशियो एचसीजी के लिए जो इनर सेल मास है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना। और फिर इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वॉटसन जेली। वॉटसन जेली क्या है? हाँ हम बोलेंगे बेसिकली अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर एक पतली सी कवरिंग है जो बेसिकली उसे प्रोटेक्ट कर रही है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। अगर हम इसकी वेसल्स की बात करें तो इसके अंदर 3 ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें से 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है, एक अम्बिलिकल वेन। वहीं अगर हम 4th मंथ पे प्रेगनेंसी के चेक करें तो हमारे पास 2 ही अम्बिलिकल आर्टरी होती हैं, 2 ही अम्बिलिकल वेन होती है, लेकिन 4th मंथ पे जो राइट अम्बिलिकल वेन है ना, जो राइट अम्बिलिकल वेन है वो डिसअपियर हो जाती है, तो इसलिए इसे हम ये भी कहते हैं लेफ्ट इज लेफ्ट, कि लेफ्ट अम्बिलिकल वेन जो है वो रह जाती है, लेफ्ट इज लेफ्ट, लेफ्ट इज लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट इज लेफ्ट का मतलब है कि जो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन है वो रह गई और जो राइट अम्बिलिकल वेन है वो डिसअपियर हो गई, ठीक है। पीछे क्या विजिबल, नीचे क्या लिखा है वो विजिबल नहीं है? अच्छा अगर मैं बात करूं ना कि 4th मंथ पे 4 महीने पे अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर कितनी आर्टरीज और कितनी वेन्स होती है, तो इसमें 2 ही अम्बिलिकल आर्टरी और 2 ही अम्बिलिकल वेन देखने को मिलते हैं, लेकिन 4th मंथ पे जो राइट अम्बिलिकल वेन है वो डिसअपियर हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, और यहाँ पे क्या रह जाता है? लेफ्ट इज लेफ्ट। लेफ्ट इज लेफ्ट का मतलब है कि लेफ्ट अम्बिलिकल वेन जो है वो रह जाती है और जो राइट अम्बिलिकल वेन है वो डिसअपियर हो जाती है,
ठीक है। और कॉर्ड एबनॉर्मेलिटी मैंने आपको बढ़ा दी कि शॉर्ट कॉर्ड अगर 30 सेंटीमीटर से कम, लॉन्ग कॉर्ड अगर 100 सेंटीमीटर। एक बार आप कई बार आप पढ़ते हैं ना कि फॉल्स नॉट देखने को मिलती है, फॉल्स नॉट किसकी वजह से देखने को मिलती है, क्योंकि वॉटसन जेली यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है, तो वो एज अ फॉल्स नॉट की तरह नजर आए। कलेक्शन ऑफ वॉटसन जेली विल इंडिकेट फॉल्स नॉट, वो फॉल्स नॉट को इंडिकेट करती है। इसमें मैंने बता दिया बेटल डोर प्लेसेंटा होता है, बेटल डोर मतलब कॉर्ड जो है वो बिल्कुल मार्जिन से अटैच होती है बैट की तरह। एक मैंने आपको बता दिया वेलामेंटियस, वेलामेंटोस में बोलो कि जो फीटल मेम्ब्रेन है यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होगी, इसमें प्लेसेंटा के मिड या बीच में जाकर वो अटैच नहीं होती है। एक मैंने इसमें आपको फरकेट भी पढ़ा दिया, फरकेट में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड इस तरह से अटैच होगी पर अपनी ब्रांचेस से अटैच रहती है, किसके साथ, प्लेसेंटा से। एक मैंने इसमें आपको सिंगल आर्टरी डिजीज करवा दिया कि वैसे तो हमें एट बर्थ 3 ब्लड वेसल्स देखने को मिलती है, 2 अम्बिलिकल आर्टरी और 1 अम्बिलिकल वेन, पर सम टाइम कुछ केसेस में एक ही अम्बिलिकल आर्टरी होती है, और उस अम्बिलिकल आर्टरी का बेसिकली कारण ये होता है कि ये कंजेनिटल माल फॉर्मेशन इसके साथ देखने को मिलती है। बट अगर किसी केस में अगर सिंगल आर्टरी ही देखने को मिल रही है, बाकी कोई कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन नहीं है, तो उसकी वजह से एनोप्लॉयडी के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। एनोप्लॉयडी मतलब जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी। बट अगर सिंगल आर्टरी डिजीज के साथ साथ आपको कोई कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी साथ में देखने को मिल रही है, तो उसकी वजह से एनोप्लॉयडी के चांसेस इंक्रीज होते हैं कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलेगी, और बेसिकली यहाँ पे ट्राइजोमी 18 देखने को मिलती है कि 18th क्रोमोसोम पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड होता है, और उसे हम एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं, जो कि बेसिकली बच्चे का बर्थ वेट लो कर देगा, बिफोर बर्थ से पहले इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कर देता है, और बर्थ के बाद भी इसमें ग्रोथ बच्चे की प्रॉपर नहीं हो पाएगी। यहां तक सभी को क्लियर है?